सो हिप्स गाइस के सब सब मैं आपका निकू और आप देख रहे निकू व्लॉग्स। तो गाइस फाइनली परसों दिवाली है और गाइस आज फाइनली हमारा बड़े वाला बम तैयार हो जाएगा। गाइस जो सूतली बम होता है ना इतने बड़े वाला, वो देख लो भाई कितना तेज धमाका करता है। तुम देख लो गाइस वो कितना बड़ा धमाका करेगा, पूरा का पूरा मोहल्ला हिला देगा वो। गाइस वो दिखने दिखने का बड़ा नहीं होगा, वो धमाका भी बहुत बड़ा करेगा, जिसके लिए एक स्पेशल अलग से बंदा आएगा गाइस उसको जलाने के लिए। आग वाला बम नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिक बम होगा भाई। बाकी अभी ना गाइस मैं खाना खा रहा हूँ। आज खाने में मेथी की रोटी, भुड़ता चटनी और लस्सी। तो बाकी गाइस फिलहाल मैं खाऊंगा खाना, उसके बाद चलते हैं बम बनाने। तो चलो गाइस चलते हैं। देख लो गाइस ये मेरा गिटार है, जो जो इससे बहुत डर रहा है भाई। देख लो भाई गिटार तो है, देख कुछ नहीं है, देख कुछ छुप गया इसके अंदर। गिटार डरने वाली चीज थोड़ी है, गिटार से डर रहा है गाइस ये बेफालतू में। ये देख लो गाइस फाइनली अजय रस्सी भी ले आया हमारे सुतली बम के लिए। भाई साहब ये सारी लपेट देंगे उसके ऊपर, है ना भाई, बहुत तेज धमाका हो जाएगा यार, सब कुछ हिल जाएगा, टीवी टावर सब कुछ गिर जाएंगे। तो भाई साहब ये देख लो गाइस, बकरी और गाय की लड़ाई होगी थी गाइस अभी। तो गाइस ये रहा भाई फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक बम। गाइस हमने एसी के कवर में रख रखा है इसको। गाइस बम की बात होती है ना, ऐसे हमारे बम की तारे हैं भाई, ये यहाँ पे करंट देंगे और ये फट जाएगा पूरा। करंट जलाएंगे नहीं, करंट देंगे इसके अंदर। भाई साहब ये तो गाइस बहुत भारी है, कितने किलो का होगा ये? कम से कम भी 20 किलो का है। 20 किलो का बम बना भाई हमारा, 20 किलो का यार। 20 किलो जब ब्लास्ट होगा तो देख लो भाई क्या होगा, किसी खाली ग्राउंड में जाके भटकाना पड़ेगा, यहाँ पे तो भाई घर वगैरह भी गिर सकते हैं यहाँ पे। गाइस हम इसमें सूतली लपेटने लग गए हैं, ये देख लो गाइस सारी सूतली तैयार होने लग रही है। इसमें जब सारी लपेट देंगे ना, फिर इसके ऊपर ग्रीन कलर का स्प्रे मारेंगे बम दिखाने के लिए, और फिर इसको फाइनली दिवाली वाले दिन फाड़ेंगे। ये प्रॉपर बम बन जाएगा भाई, खतरनाक वाला, ऐसा बम भाई किसी ने भी नहीं फाड़ा होगा, ऐसा बम बना रहे हम। गाइस अभी चाचा बम बनाने लग रहे हैं ना, तो अभी ड्यू को घुमाने लेके चलते हैं। चलो गाइस अपने अपने घरों में बैठे हैं, ये अपने अलग घर में है, ड्यू को अपने अलग घर में है भाई। हाँ भाई जा रहे आराम से, बस भाई लड़ाई करते नहीं जा रहे भाई। गाइस ड्यूक ना भाई शोर बहुत मचाता है लड़ाई से पहले, पर पैंथर ना भाई शोर नहीं मचाता, साइलेंट किलर है, चुपचाप मारता है सबको आराम से। गाइस ये बहुत बात मानता है, इसमें बहुत ताकत है, ये मेरे को खींच के भी लेके जा सकता है यहाँ पे। साउंड हो गया भाई खा खा के। देख रहा क्यों कर चल रहा है, इसमें बहुत पावर आ गई है भाई, पूरा बुल्ली वाला साउंड बन गया ये, वो तो इसमें दम बहुत है, खींच के लेके जा सकता है। बस गाइस मैं खींच नहीं रहा, इसका बड़प्पन है। देख कितना दम है यार। गाइस अभी ना मैंने ड्यूक को अजय को पकड़ा दिया, क्योंकि बहुत दम है इसमें, बहुत थका दिया। गली के सामने ना कुत्ता भौंक रहा है ड्यूक के ऊपर, ड्यूक गुस्से में हो रखा है। अजय छोड़ियो मत, उस कुत्ते को पार लेगा ये। ये कुत्ता भौंक रहा है भाई, ये क्या हो गया, लड़ाई होगी, वो लड़ाई ना हो जाए, अरे लड़ाई हो जाएगी रहने दे भाई। ये क्या हो गया, ड्यूक मान नहीं रहा भाई, अरे दूर मारेगा नहीं, बस पटकी देगा। इसका भाई भी आएगा गाइस, भाई आ गया, इसका भाई भी चला गया देख के भाई ड्यूक को, बोला भाई इस मैटर में मैं नहीं घुसूंगा। देख लो गाइस ये छुप छुप के भौंक रहा है, ये भी भौंक रहा है, वहाँ भी भौंक रहे हैं, हर जगह कुत्ते कुत्ते भौंक रहे हैं, पास कोई भी नहीं आ रहा। और गाइस ये भी पीछा कर रहा है भाई ड्यूक का, भाई तू क्यों भौंक रहा है भाई, गाइस मेरे को भी पार रहा भाई ये। गाइस ये फर्क है ड्यूक और पैंथर में, पैंथर एक बहुत बड़ा केन कोर्सो है, जो कि गाइस बर्फ वाली ब्लड लाइन का है, वो गाइस हमारी भी नहीं सुनता, अगर यहाँ पे होता ना पैंथर तो हमारी भी नहीं सुनता, अगर उसको कुत्ता दिखता ना सामने तो अपने आप ही चिपट जाता भाई, हमें भी खींच के ले जाता। ड्यूक और पैंथर में यही फर्क है कि ड्यूक हमारी सुनता है, ड्यूक खतरनाक तो है पर हमारी सुनता है सारी बातें। चलो गाइस ये और इकट्ठे हो गए आगे भाई सारे, ये तो बहुत सारे आगे भाई ड्यूक के लिए, अब छोटे छोटे से तो है, इतने सारे को बुला के लिए आए ये। देख लो गाइस इस कुत्ते ने गैंग बना ली अपनी, ये देख लो गाइस अब सारे भाग रहे भाई, अभी तो सारे इकट्ठे हो गए थे, अब सारे भाग रहे हैं, बस ये नहीं भाग रहा मेन, वो चार है। ये देख लो गाइस ये सबको बुला के लेके आया था, देख लो भाई, और गाइस इसके सारे दोस्त भाग गए, देख लो गाइस सारे दोस्त भाग गए ड्यूक को देख के, गाइस के दोस्त छोड़ के भाग गए इसको। उनको बुला रहा है गाइस, इसको ऐसा लग रहा है कि ये फंस गया, अब इसको ड्यूक पार लेगा, हम पारने नहीं देंगे भाई ड्यूक को, ये सबको बुला के लेके आया था पर अब इसके साथ कोई भी नहीं है। ये देख लो गाइस इसके सारे दोस्त छुप गए भाई वहां पे जाके ड्यूक को देख के। ये देख लो गाइस ये कैसा है भाई सूतली बम, इसके अंदर बहुत थोड़ा सा मसाला है बम्ब का जो कि फटता है, तो सेम चीज गाइस हम अब इसके अंदर भी प्रेशर बन जाएगा बहुत सारा, फिर ये बहुत जोर की भटकने वाला है इस सूतली बम के ऊपर और प्रेशर बनाते हैं। अब इसके ऊपर एमसील लगाता हूँ, देख लो गाइस ये सूतली बम था भाई कैसा बन गया, अब गाइस को थोड़ा सा सुखाते हैं। ये ना गाइस अब पत्थर वाला बम बन गया, पत्थर बम बना दिया हमने, तो फाइनली गाइस ये सूख गया यहाँ पे, अब इसको यहाँ भटका के देखते हैं भाई यहाँ प्लॉट के बीच में, भाई वो बिजली से फटेगा, वो ऐसे नहीं फटेगा। गाइस देखते भाई पत्थर बम कैसा होता है, गाइस मैं पहली बार इसको जला रहा हूँ, इसकी आवाज देखता हूँ भाई कितनी आवाज निकलेगी इसके अंदर से। भाग जा यार, डबल धमाका हो गया, गेट भी लिया आपका भाई। ये क्यों हो गया,
गाइस पैंथर सोच रहा है क्या हो गया, अलर्ट हो गया भाई पैंथर भी। ना भाई वाकई में यार मेरे को बहुत तेज था, प्रेशर ज्यादा बन गया उसका है ना। तो इससे अंदाजा लगाओ जैसे ये कितना फटेगा। अपनी आंखों से भी नहीं देखेंगे हम फाड़ते हुए, बिल्कुल दूर छुप जाएंगे, बस कैमरे ही देख पाएंगे इसको। क्या कर रहा है भाई? बम बनाऊंगा। बम बना रहा है? ये देख लो गाइस, ये ना भाई बम बना रहा है, पर हमें बता नहीं रहा कि कैसे बनता है। देखते भाई कैसा बम बनेगा। गाइस फाइनली बम बना दिया, ये देख लो गाइस ऊपर जा रहा है छत पर भटकाने के लिए। अलग ही टाइप का बम बनाया है, कह रहे ऊपर जाके ईंट फेंकनी पड़ेगी बस। देख लो भाई पता नहीं कैसा बम है भाई, देखते हैं भटकेगा नहीं भटकेगा। भाई ये क्या था यार, भाई घर ही ले गया भाई साहब। चाचा कहाँ गया वो? गाइस सारे घर ही ले गया आसपास के। कितना खतरनाक था, दिल दिल धक धक कर रहा है ना। सोचे भी ना थी इतना बुढ़ा पट्टा एकदम सब कुछ ही लिया। एक बार और, एक बार और। गाइस जैसे ही भटका ना सबको एक बार चक्कर आ गई, ये क्या हो गया, दिल में धक लगा एकदम। एक बार और भाई दोबारा से बना रहा है गाइस, ये बता नहीं रहा और कैसे बनता है। ये देख लो गाइस बम बना दिया भाई, इसके ऊपर ईंट फेंकनी है बस। बढ़िया यही ना बना लो बम। चलो चलो भटकाओ भटकाओ भटकाओ। आग लगी, आग लगी, ओ आग लगी, बच गया बच गया बच गया। भाई कान के पर्दे फट गए इस बार तो। ये पता ही नहीं था। उससे पहले सिर्फ भाई बहुत तेज यार, इतना खतरनाक कैसे बना दिया बम? इतना सा बम तो फिर भी इतना भड़क गया। अबे क्या कर रहा है भाई? क्या फोड़ रहा है? गाइस ये भी बम फोड़ रहा है यार, वही वाला, इसने भी बम बना दिया। देख लो गाइस ये कैसा बम है, ऊपर से ईंट फेंकनी पड़ती है तब जाके भटकता है ये। ये देख लो गाइस इतना तेज। तो गाइस फाइनली ये देख लो भाई हमारा सुपर बॉम्ब। गाइस हमने ये बनाया इतनी मेहनत से, हमने गाइस इसको बनाने के लिए बहुत दिनों से लगे हुए हैं, और इसके अंदर जो भी यूज किया ना भाई वो बता नहीं सकते, पर गाइस जो भी है ना भाई लीगल चीजें हैं और सेफ चीजें हैं। गाइस इसको कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, ये बहुत खतरनाक वाला फटने वाला है, बहुत तेज धमाका होगा। गाइस बम के ऊपर बात तो होती है आग लगाने के लिए, पर इसके ऊपर बिजली के तार है, करंट देते ये फट जाएगा। हमें इसको बिजली से दूर रखना है क्योंकि ये वो चीज है भाई, अगर बिजली के कॉन्टेक्ट में आ गया ना तो अभी के अभी फट जाएगा ये। अभी किसी ने गलती से भी तार लगा दिया ना बिजली में तो अभी ब्लास्ट हो जाएगा। और अभी भी करंट नहीं है ना इसलिए। ऐसा बम ना भाई किसी ने भी नहीं बनाया होगा, हमें ध्यान रखना है कि भाई दिवाली तक ना इसको कोई भी बिजली में टच ना करे, अगर कर दिया ना भाई तो गलत काम हो जाएगा। हम इसको ताले के अंदर बिल्कुल सेफ सिक्योरिटी के अंदर रखने वाले हैं, दिवाली के दिन इसको भटकाएंगे, हमारा दिवाली का बॉम्ब है ये। तो फाइनली गाइस हमने सुपर बॉम्ब बना दिया है। गाइस मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है इसको फोड़ने की, देखते गाइस कैसा फटता है ये। गाइस को जब भी फोड़ेंगे ना भाई इसके पास में बिल्कुल भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी नहीं खड़ा होगा पास में, सिर्फ कैमरे की नजर में रहेंगे। चीनू को तो लेके नहीं जाएंगे। गाइस मैं नहीं जाता भाई, मैं अपनी आंखों से इसको देखूं और मेरी आंखों में कोई चीज आगे गिर जाए, कोई भी हमारे में से देखे भाई इसको चोट लग जाए, और बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ पे भाई दूर दूर तक कोई भी इंसान ना रहता हो, चिड़िया भी नहीं होगी वहाँ, चिड़िया भी नहीं होगी ना गाइस, कोई एनिमल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ना वहाँ फोड़ेंगे इसको, ताकि भाई किसी भी चीज को कोई भी नुकसान ना हो, एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो, हर चीज का ध्यान रखेंगे। सुपर बॉम्ब मैं इसको ताले के अंदर रखवाऊंगा, मैं ताला मार देंगे गाइस इसको, अब इसको ताले के अंदर रखवाना पड़ेगा, कभी यहाँ प्लॉट में कोई भी आई गलती से लगा दे तार। वो जैसी है भाई, अभी घर पे जा रहे गाइस, बहुत मेहनत करी। मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, मेरे पीछे क्यों भाग रहा है? और गाइस घर पे आते ही मैं खा रहा हूँ खाना, ये देख लो गाइस रात के डिनर में मटर पनीर की सब्जी, आलू खीरा और मेथी की रोटी, ऊपर नूनी घी भी है। और बाकी गाइस फाइनली परसों दिवाली है और हमारे शहर में भाई सबने लाइट्स वगैरह लगा ली। गाइस आसमान से ना सब कुछ चमकता हुआ दिखता है, तभी ना ड्रोन उड़ाते हैं और आसमान का व्यू देखते हैं। हर जगह सबने ना लाइट ही लाइट लगा रखे घर के बाहर में। अभी ये देखना गाइस हमारे पास पाइप है और ये रॉकेट है। गाइस इस पाइप को रॉकेट लॉन्चर बनाएंगे। मिसाइल की तरह निकला पूरा। देख लो गाइस हमने रॉकेट लॉन्चर बना दिया। गाइस बड़े वाला रॉकेट लॉन्चर देखना। क्या हुआ? हो गया यार, कैसे बम है गाइस, हाथ में जल जा रहे हैं यार ये। बाकी ये देख लो गाइस मैं नीचे आ गया हूँ और जो जो गाइस मेरा जूता लेके बैठा है इसको छेड़ना है मेरे को बस, और कुछ नहीं करना। देखना गाइस ये देख लो भाई, ये देख लो भाई पूरा जूता पकड़ लिया भाई, भाई मुंह में फंस जाएगा पूरा, और इसके मुंह में पूरा जूता मुंह में फंसा लिया। बाकी गाइस फिलहाल मैं आ गया हूं रूम में, आज गाइस मैंने खुद का पत्थर बम भी बनाया और फाइनली गाइस हमारा सुपर बम भी तैयार हो गया है आज, तो बहुत एक्साइटमेंट है दिवाली को फोड़ने की। बाकी मैंने भाई टाइम ज्यादा हो रहा है, ये देख लो भाई चीनू गिटार बजाने की कोशिश कर रहा है पर इसको आता नहीं बजाना। भाई भाई दोनों को बजाना नहीं आता यार, रुक जाओ भैया मैं छोड़ता हूँ।
गाइस किसी को गिटार बजाना नहीं आता इनमें से, बेफालतू में लड़ाई कर रहे हैं। बाकी गाइस अभी टाइम ज्यादा हो रहा है तो फिलहाल मैं करूंगा एडिटिंग और फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो तुम्हारे भाई का चैनल निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।